शक्कर की नशा और उसके परिणाम, उसके बारे में आज आपसे मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। मेरे यहाँ काफ़ी नशाखोर लोग आते रहते हैं, जिनको नशा है, जैसे अल्कोहल की नशा है, शराब की नशा है, और शराब की नशा छुट्टी नहीं करके लोग आते हैं और इलाज कर लेते हैं। अफीम की नशा है, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, सभी नशा तंबाकू की है, सिगरेट की है। वैसे ही चाय की नशा के लिए कोई आता नहीं है। बाकी सब नशा जो है वो बुरी है ऐसा लोगों को लगता है, और उसके लिए लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। सिगरेट की नशा के लिए भी आते हैं, तंबाकू खाते उसके नशा के लिए भी आते हैं, मगर उससे भी ज़्यादा या अफीम से भी ज़्यादा बुरी नशा होंगी तो शक्कर की नशा है। ऐसा अभी ऑस्ट्रेलिया में जो साइंटिस्ट लोगों ने जो निष्कर्ष निकाले, जो उन्होंने स्टडी किया, उसमें से मालूम पड़ा है। हम बोलते हैं कि नहीं नहीं वो शराब पी रहा है, शराब पी रहा है बहुत बुरी बात है, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब से लीवर के ऊपर उसका असर होता है, बाकी हार्ट के ऊपर असर हो जाता है, बीमारी हो जाती है अलग अलग उसको। नहीं, अफीम नहीं लेना चाहिए, मॉर्फिन लेने से या हीरोइन लेने से या ब्राउन शुगर लेने से पूरे बदन के ऊपर उसका असर होता है, ब्रेन के ऊपर असर होता है, और वो नशा बेकार है, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऐसा हम बोलते रहते हैं। हम ये भी बोलते हैं कि नहीं, फैटी जो सब्सटेंसेस है, मतलब फैटी जिसमें ज़्यादा फैट्स है, चर्बी ज़्यादा है, वो पदार्थ हमने नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमारी जाड़ी बहुत हो जाती है, मोटे हो जाते हैं, मोटापा आ जाता है। मगर उससे भी ज़्यादा अभी ये मालूम पड़ा है कि शुगर, शक्कर, उसकी नशा जो है वो बहुत बेकार है। शक्कर की नशा इतनी बुरी है कि लोगों को शक्कर के सिवा चलता नहीं है। शक्कर तो खाना खाने के बाद में लोगों को होना ही होना है। शक्कर का कोई पदार्थ है तो वो खाने की उनकी इच्छा रहेगी, और वो जो है उससे काफ़ी फैट बढ़ रहा है, पेट के ऊपर चर्बी जमा हो रही है, उसका कारण शक्कर है। लोग मोटे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ रहा है, उसका कारण शक्कर है। तो शक्कर की नशा अफीम के नशे से भी बहुत बुरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, और शक्कर एकदम बंद करना चाहिए। अभी इसके लिए एडिक्शन जो है उसके लिए ट्रीटमेंट है। हार्डली कोई लोग मेरे पास में आते हैं कि इनको शक्कर की नशा है करके, मगर मुझे भी पक्का विश्वास है कि ये वीडियो देख के लोग अपने अपने शक्कर की जो नशा है उसके लिए सजग हो जाएंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे कि नहीं मुझे शक्कर की नशा है, मेरे को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक बार मतलब तंबाकू, सिगरेट, पान चलेगा, उससे भी मैं बोला उससे भी ज़्यादा बुरा है तो शक्कर की नशा है, तो वो छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे बहुत शरीर के ऊपर नुकसान हो रहा है। कार्ब जो है, कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स पूरे बंद करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा नुकसान अपने बॉडी को होते रहता है। जितने कार्ब्स आप कम खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएंगे, उतना अच्छा है। शक्कर में तो पूरा कार्बोहाइड्रेट ही है। ज़्यादा प्रोटीन्स खाओ, वजन एकदम ही बहुत शेप में आ जाएगा, मसल्स अच्छी बनेगी। कम से कम फैट खाओ, और कार्बोहाइड्रेट जो है तो बंद करो। शक्कर का तो हाथ भी लगाना नहीं, शक्कर का स्मेल भी लेना नहीं चाहिए। ये वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिनको शक्कर की नशा है उनको भी शेयर करो, ताकि लोग शक्कर छोड़ेंगे, नशे से दूर रहेंगे, और नहीं छोड़ता है तो कोई अपने साइकेटिस्ट का सलाह लेंगे कि भाई शक्कर की नशा छोड़ना कैसे है। तो वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।